कौन कौन जो है गोलगप्पे खा के गए हैं डाइट फॉलो करने। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो गाइज, मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ। 1 घंटा 5 से 6 मैं डेली अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज करती हूँ गाइज, और शाम को भी मैं हल्का फुल्का टहलती हूँ। तो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना 15 kg वेट लॉस किया, वो भी 5 से 6 महीने के अंदर, और घर का हेल्दी खाना खा के मैंने अपना कैसे वेट लॉस किया। तो गाइज, देख सकते हैं आप लोग कि मेरा मॉर्निंग एक्सरसाइज हो चुका है। मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं सौंफ और दालचीनी का जो है पानी बना रही हूँ, जो कि ये मॉर्निंग ड्रिंक रहेगी मेरी। और सौंफ के बारे में बता दूँ तो सौंफ हमारे पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है, और जो है कि सौंफ का पानी पीने से हमें भूख भी कम लगती है और वजन घटाने में भी बहुत ही फायदेमंद है सौंफ हमारा। और गाइस, दालचीनी का बात करूँ तो दालचीनी का पानी पीने से हमारे पेट की चर्बी जो है कम होती है और हमारा वजन कम करने में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि मैं बैठ करके आराम से इत्मीनान से सिप सिप करके जो है इस ड्रिंक को ख़त्म कर लेती हूँ। और इसके बाद देख सकते हैं आप लोग कि मेरा जो है ये है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और मैं जो है नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। बच्चे जो है मेरे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए, घर का सारा काम हो चुका है और मैं यहाँ पे नहा धो के आ चुकी हूँ अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे मैं बैठ के तरबूज खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हल्का ही मैं खाऊँगी, फिर लंच में अच्छे से खा लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा कि मैंने वाटरमेलन जो है कट करके लिया था मॉर्निंग में, और मॉर्निंग के बज रहे हैं 11 बज चुके हैं गाइस, और थोड़ी मैं लेट हो चुकी हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मुझे तो 9 बजे करीब कर लेना चाहिए था ब्रेकफास्ट, लेकिन घर का इतना सारा काम है कि बिना काम ख़त्म किए और बिना नहाए धोए पूजा पाठ के अलावा तो हम का कुछ खा नहीं सकते, तो इसलिए गाइज लेट हो गया। और बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं और जो है कि हस्बैंड भी मेरे ऑफिस चले गए हैं, और मैंने भी देखा आप लोगों ने कि मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। तो मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जो है, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में कि मैं 85 से 70 तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया, तो मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने जो है कि 15 kg अपना लॉस किया है, और क्या क्या खाया, क्या पिया, कैसे कैसे मैंने किया। तो मैं आप सबके साथ अपना रूटीन शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइज सबसे पहले कि आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी मेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले है कि हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें पेशेंस रखना है गाइज, क्योंकि पेशेंस आप नहीं रखेंगे तो आप वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, आज से करेंगे कल से करेंगे, डेली सोचते ही रहते हैं लोग कि आज से करेंगे कल से करेंगे, जैसे कि मैं भी सोचती थी कि आज छोड़ो कल करूँगी, आज तो मैंने खा लिया चलो कल से करती हूँ कल से करती हूँ, ऐसा करते करते कल कभी नहीं आता है गाइस। तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो ठान ही लेते हैं कि अब करना ही है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया गाइस। तो वैसे आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब चारों तरफ से लोग बोलने लगते हैं ना, यार ये कितनी मोटी हो गई हो, ये कपड़े तुम्हारे ऊपर नहीं अच्छे लगते हैं, कैसी लग रही हो, तो बच्चों की अम्मा लग रही हो, ये लग रही हो, मतलब टोंट मारते हैं लोग, तो अजीब लगता है। तो ऐसा होता है कि चलो ना कुछ करते हैं अपने लिए, अपने बारे में सोचते हैं, तो अब मैं करके दिखाऊंगी कि वेट लॉस मैं अब करके रहूंगी, मैं भी पतला होना चाहती हूँ, मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, मैं भी पहन सकती हूँ, कर सकती हूँ मैं, तो ऐसा मैंने सोचा। तो और एक बात आप लोग को बता दूँ कि मुझे जो है भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, और मीठा तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, इतना ज़्यादा प्यारा है कि मैं बता नहीं सकती, अगर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत सारा खा लूँ। उसी का देन है कि इतना वेट जो है मेरा बढ़ गया था। मैंने कैसे कंट्रोल किया कि मुझे मीठा नहीं खाना है, और जब आपका वेट लॉस गाइस कम होने लगता है ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि अरे आज तो मेरा इतना कम हो गया, आज तो मेरा इतना कम हो गया, तो मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ऐसी गलतियां आगे से नहीं करूंगी, मैं अगर मैं
कुछ और अच्छी डाइट फॉलो करूं तो हो सकता है कि मेरा और अच्छे से डाइट मतलब कि वेट लॉस हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। तो जब वेट लॉस धीरे धीरे होने लगता है ना तो बहुत मतलब ये मन करता है कि अब तो मैं जितना मैंने सोच रखा है मैं उतना करके ही मानूंगी, इसके बाद ही मैं भी मीठा खाऊंगी और ये कुछ भी मतलब जो भी जंक फूड वगैरह खाना है सब खाऊंगी। और वैसे तो नहीं खाना चाहिए जंक फूड वगैरह। तो आपको बता दूं गाइस कि सबसे पहला 5 टिप्स है जो कि आपको फॉलो करना है। तो आपको सबसे पहले मॉर्निंग में अगर आपके पास वेट मशीन है तो आपको सबसे पहले अपना वेट चेक करना है कि आपका कितना वेट है, आपका वेट कितना है। क्योंकि आप आज जो दिन भर में आपने सुबह से लेकर के शाम मतलब रात तक क्या क्या खाया है क्या नहीं खाया मतलब जो भी आपने खाया है उसका आपके बॉडी पर क्या असर हुआ है, आपका इससे मतलब कि वेट लॉस हो रहा है कि और बढ़ रहा है, इससे आपको पता चलेगा। अगर आपके पास नहीं है वेट मशीन तो आप किसी हॉस्पिटल में जा करके चाहे क्लिनिक वगैरह पास में किसी के पास हो तो एक बार वेट आप चेक करके आ जाइए। इससे पता चलेगा कि आपका वेट कितना था, आपने कितने वेट मतलब कितना वेट था तो आपने मतलब कि चालू किया था वेट लॉस करना, तब आपको पता चल सकता है। तो सबसे पहला टिप है कि आपको मॉर्निंग में उठना है और फ्रेश होके आपको सबसे पहले काम अपन आपको वेट अपना चेक करना है। नंबर 2 है कि आपको 8 घंटे की प्रॉपर नींद जरूर से जरूर लेनी है। क्योंकि आप अगर नींद नहीं लेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है। आप जो है 10 नाइट में 10 बजे करीब सो जाइए, मॉर्निंग में 5 बजे तक उठ जाइए, मतलब कि आपको 8 घंटे का नींद जरूर लेना है। और मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करिए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग की ताज़ी ताज़ी हवा जो है हमारे शरीर में जब लगती है तो उसका आनंद ही अलग होता है। और टिप नंबर 3, आपको मॉर्निंग में जो है डेली आपको 40 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक आपको मॉर्निंग वॉक करना है। स्पीकिंग, योगा, रनिंग कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है। इससे क्या होगा कि हमें जो है वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। टिप नंबर 4 गाइस कि आपको जो है अपने डाइट पे बिल्कुल ध्यान देना है। 80% जो है कि डाइट पे ध्यान देना है और 20% जो है एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। देंगे उतना ही आपका वेट लॉस जल्दी जल्दी होगा। और डाइट में आपको प्रोटीन और फाइबर की मात्रा लेनी है और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, बाकी तो आप लेंगे ही, लेकिन प्रोटीन और फाइबर की मात्रा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है जिससे कि आपका वेट लॉस होगा, बहुत ही जल्दी होगा। नंबर 5, पानी, पानी की क्वांटिटी हमें कितना रखना है। तो गाइस आपको बता दूं कि आपको दिन भर में 3 से 3.5 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहेगी। और गर्मियों का टाइम है तो पानी तो हमें पीना ही है। और पानी पीने से भी आप जैसे कि आप पानी पियेंगे तो वेट लॉस जल्दी से जल्दी होगा। और आपको बता दूं कि पानी जो है आपको हर 1 घंटे में 1 गिलास पीना ही है। आप चाहे तो नॉर्मल पानी पीजिए, नहीं तो गुनगुना पानी पीना चाहते हैं तो गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। मैं तो वेट लॉस करती थी तो गुनगुना पानी ही पीती थी, लेकिन गर्मियों का टाइम है तो नॉर्मल पानी आप लोग पी सकते हैं। कभी कभी मन किया तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप पी सकते हैं तो आप गुनगुना पानी पीजिए दिन भर, तो इससे आपका वेट जल्दी से जल्दी वेट लॉस होगा। और आपको बता दूंगा इसकी जो ये हम लोगों ने चर्बी बढ़ाई हुई है मतलब जैसे हम लोग का ये वेट जैसे गेन हुआ है, तो और आपको बता दूंगा इसकी हमारा वेट जैसे कि गेन हुआ है तो हमारा वेट जो है धीरे धीरे बढ़ा है। जितना हम लोग खाते गए हैं तो हमारा वेट जो है बढ़ता गया है। 1 साल 2 साल लगा है बढ़ने में, तो वैसे ही गाइज हमारा वेट लॉस भी धीरे धीरे ही होगा। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, जैसा कि मैंने बताया कि पेशेंस रखना बिल्कुल जरूरी है। तो पेशेंस रखेंगे आप तभी आप वेट लॉस कर सकते हैं, तो आपका वेट लॉस भी धीरे धीरे होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा। आप बस रूटीन फॉलो करिए, नियम से आप चलिए, आपका वेट जरूर से जरूर लॉस होगा। मैं भी सोचती थी मैं कैसे वेट लॉस करूंगी, मैं तो ऐसी हूँ कि गाइस कि अगर कल मुझे वेट लॉस करना है तो मैं जाके आज गोलगप्पे हुए, मोमोज हुए, चाइनीज पकौड़ा हुआ तो मैं जा करके बोलती थी कल से वेट लॉस करना है, चलो अब आज तो जा रही हूँ सब खा के आती हूँ क्योंकि कल से वेट लॉस करना है मुझे। फिर मुझे 1 महीने मतलब कि नहीं खाने को मिलेगा क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर पाती थी, बोलती आज मैं कसम खाती हूँ कि कल से मुझे डाइट करना है तो करना है, तो चलो आज मैं खा के आती हूँ ये सब, ऐसा सोचती थी मैं। और खा के भी आती थी गैस और अगले दिन से जो है डाइट फॉलो करती थी।
कौन कौन जो है गोलगप्पे खा के गए हैं डाइट फॉलो करने, जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोग, ऐसा कौन कौन सोचता है, मैं तो सोचती हूँ। तो चलिए गाइज, मैं आप लोग को बता देती हूँ अपना रूटीन, तो मैं क्या क्या खाती थी और क्या पीती थी, कब उठती थी कब सोती थी गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं मॉर्निंग में 4:45 बजे तक मैं उठ जाती थी, कि 15 मिनट में मैं फ्रेश हो करके अच्छे से रेडी होके तैयार हो जाऊँ, क्योंकि 5 से 6 मुझे वर्कआउट करना था, मतलब कि 5 से 6 मुझे वॉकिंग, योगा, जो भी करना है, चाहे मुझे टहलने जाना है, चाहे पास में गार्डन है, चाहे मैं वहाँ चली जाऊँ एक्सरसाइज करने, चाहे घर पे ही मैं करूँ, लेकिन मैं 1 घंटा जरूर करती थी, आधा घंटा टहलती थी और आधा घंटा जो है योगा, डांसिंग, कुछ भी मैं करती थी। इसके बाद जो है मैं पानी गर्म करती थी, गुनगुना, मतलब थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स दीजिए, गर्म, जैसे कि योगा करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, तो आप थोड़ी अपनी 5 मिनट रेस्ट करके इसके बाद जो है कि आप गुनगुना पानी पीजिए, इसके बाद नहीं तो आप जीरे का पानी पीजिए, सौंफ डाल के पीजिए, चाहे अजवाइन का पानी, दालचीनी का, चाहे धनिया का पानी पीजिए, इन सबको पका करके आप रख लीजिए, इसका चाय बना करके आप पी सकते हैं। इससे क्या होता है, ये एनर्जी ड्रिंक कैसे वेट लॉस में होने में भी फायदा होता है, और जो है कि एनर्जी भी मिलती है हमें, अब भूख भी कम लगती है हमें, तो ये मैं पीती थी। इसके बाद जो है कि फिर एक बार, मतलब कि 9 बजे तक मैं जो है 2 लीटर पानी पी के कंप्लीट कर लेती थी अपना। मैं ब्रेकफास्ट कर लेती करती थी, ब्रेकफास्ट में मैं मूंग दाल का चीरा ले लेती थी, चाहे इडली बनाया है ले लेती थी, चाहे मैं ओट्स का, क्या बोलते हैं कि पोहा बना के खा लेती थी, चाहे तो ओट्स का चीला खा लेती थी, रागी का चीला खा लेती थी, जिसमें मैं ये देखती थी जिसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा है, मैं उसका चीला हो, चाहे रोटी हो, मल्टीग्रेन जो रोटी आती है वो भी आप ले सकते हैं, ज्वार की रोटी ले सकते हैं, जो जो आपकी इच्छा हो, आप एक एक चीला या 2 चीला ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं चटनी के साथ में। और इसके बाद जो है फिर पानी पीती थी मैं, फिर 11 बजे करीब फिर एक जो है ग्रीन टी में लेती थी। इसके बाद आती है लंच की बारी, तो लंच में मैं 2 2 चीला लेती थी, और सलाद जो है कि मैं भर भर के सलाद खाती थी, एक चुकंदर, एक खीरा, गाजर, प्याज, जो है मतलब कि सलाद की क्वांटिटी में ज्यादा रखती थी। इससे क्या होता है कि आप खाना कम खाएंगे, सलाद की क्वांटिटी खाएंगे, सलाद में जो है फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा रहती है, फाइबर, प्रोटीन, इससे क्या है कि आपको कब्ज की समस्या जो है दूर होगी और वेट लॉस करने में तो मदद मिलेगी भी। और गर्मियों का टाइम है तो आपको सलाद जरूर खाना है, वो भी भर भर के खाना है, खाना की क्वांटिटी कम करिए, सलाद की क्वांटिटी जो है आपको ज्यादा करना है। और एक बात बता दूं आप लोग, कि लंच के आधा घंटा पहले और जो है कि 40 मिनट बाद ही आपको पानी पीना है, बीच में आपको पानी नहीं पीना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो है खाना पचने में आसानी नहीं होती है, बहुत ही दिक्कत आती है, और अगर टाइम मुझे मिलता था तो मैं सो जाती थी, नहीं टाइम मिलता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे जब तक सोते नहीं है तो नींद नहीं आती है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, अपनों को भी देखना है और अपने आप को भी देखना है, इसके साथ ही हमें चलना है। ऐसा नहीं कि हमें वेट लॉस करना है तो हमें बच्चे को नहीं देखना, हस्बैंड को नहीं देखना, परिवार को नहीं देखना, लेकिन सबको लेकर के हमें चलना है गाइस। इसके बाद जो है कि शाम को मैं 1 कटोरी भुना चना और ग्रीन टी लेती थी, नहीं तो क्या बोलते हैं कि मैं मखाने ले लेती थी, भुना चना ले लेती थी, इसमें प्याज टमाटर काट के थोड़ा डाल के खा लेती थी, ये थोड़ा बहुत हल्का सा ले लेती थी। फिर इसके बाद मैं शाम को जो है कि थोड़ा बहुत वॉक किया, मतलब कि टहलने चली गई आधा घंटा के करीब, फिर घर का काम करती थी अपना। फिर जो है डिनर की बारी आती थी, डिनर हमें 7 बजे तक एकदम कंप्लीट कर लेना है गाइस, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि हमारा डिनर ही होता है। डिनर अगर आप जितना रेड लेट डिनर जो है आप जितना लेट करोगे उतना ही आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि डिनर जो है आप पहले कर लोगे, 7 बजे तक आपको कंप्लीट कर ही लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे तक आपको कंप्लीट कर लेना है। आपको पहले से सोच के रखना है कि हमें क्या खाना है, आप भले ही बाद में सबके लिए बना के रखो लेकिन आप पहले खा लो, क्योंकि इसके बाद आपको नहीं खाना है। डिनर में जो है आप ओट्स बना के ले लीजिए, ओट्स की खिचड़ी ले लीजिए, सोयाबीन की सब्जी खा लीजिए, चाहे तो आप चने में क्या बोलते हैं कि टमाटर प्याज वगैरह काट के भी खा सकते हैं, मतलब कि आप हल्का भोजन आपको करना है शाम को। आप नहीं तो दाल पी सकते हैं, मूंग का दाल पी सकते हैं सलाद के साथ, आप उस 1 गिलास दाल बनाइए और सलाद जो है काट करके
सलाद खा लीजिए, दाल को पी लीजिए, बस इतना ही करना है आपको। क्योंकि रात में आपको एकदम हल्का भोजन करना है, नाम मात्र का भोजन करना है। और फिर लास्ट आपका आता है 9 बजे करीब या 10 बजे करीब, आप लास्ट अपना ड्रिंक लीजिए, चाहे आप ग्रीन टी लीजिए, चाहे जीरे का पानी लीजिए, चाहे जो भी आप एनर्जी ड्रिंक लेती हैं वो आप ले सकती हैं। और आप जो है एकदम रूटीन से चलिए तो आपका वेट लॉस जरूर होगा। और बाकी तो मैं आप लोग को बताती रहूंगी अब कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा 70 kg हुआ है, मुझे अभी 5 kg और वेट लॉस करना है। तो मैं भी साथ में चलिए वेट लॉस करती हूँ, आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो गाइज और भी मैं आपको टिप्स देती रहूंगी आगे चल के। गाइज मैं अब जा रही हूँ लंच की तैयारी करने, वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग कि मैं आ गई हूँ किचन में अपने लंच की तैयारी करने के लिए। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ ग्रीन मूंग दाल का चीला। ग्रीन मूंग दाल के बारे में बता दूँ आपको कि इसमें बहुत ही हाई प्रोटीन होता है और हमारे वजन को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप जो है लंच में 1 से 2 चीला खा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में भी 1 से 2 चीला ले सकते हैं, और डिनर में जो है आप मूंग दाल का दाल बना करके पी सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे वेट लॉस के लिए, इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा होती है और जो है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और हमारे पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है ये। तो मैं यहाँ पे 1 से 2 चीला बनाऊँगी अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि लंच में मैं जो है सलाद भी लूँगी और थोड़ी सब्जी लूँगी, और चटनी मैंने बनाई है ग्रीन वाली, उसके साथ ही मैं ये चीला खाऊँगी, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं जो है मूंग दाल का चीला जो है 2 ले ली हूँ, और थोड़ा सा मैं लौकी का कोफ्ता बनाई थी तो वो भी ले ली हूँ, और जो है चटनी है, और सलाद में मैं चुकंदर 1 काट के रख ली हूँ, क्योंकि अभी और भी मतलब कि खीरा वगैरह नहीं है मेरे पास, तो मैं आज चुकंदर ही खा लेती हूँ। और देख सकते हैं मैं कि इसको बैठ के आराम से चबा चबा के इत्मीनान से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। आप जितना आराम आराम से खाएंगे उतना ही आपको खाना जो है पचने में आराम होगा, बहुत ही आसानी से आपका खाना जो है पच जाएगा, तो इसलिए आपको आराम आराम से बैठ के खाना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ अपने लिए बनाने के लिए ग्रीन टी। तो यहाँ पर मैंने लिप्टन का ग्रीन टी लिया है और मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, और इसको बैठ के पीऊँगी। तो जो कि ग्रीन टी भी हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमको एनर्जी देता है और हमारा वेट लॉस भी बहुत ही आसानी से करता है। तो गाइज मुझे थोड़ा ग्रीन टी जो है कड़वा लगता है, तो मैं इसमें कभी कभी नींबू भी मिला करके पी लेती हूँ, चाहे मैं अदरक भी घिस लेती हूँ, पानी में अदरक घिस लेती हूँ और वही पानी जो है ग्रीन टी में मिला देती हूँ, तो इससे थोड़ा टेस्ट जो है चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है पीने में। तो गाइज हो गया है रात का टाइम और 7। सो गाइज रात के बज रहे हैं 7 और मैं जो है अपना डिनर की तैयारी कर चुकी हूँ। और डिनर में मैंने बनाया है मूंग दाल का डोसा और मूंगफली की चटनी। अब बच्चों को भी यही खाना था तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं कि मैं भी खा लूँ और बच्चे भी खा लें। तो गाइज मैं अपना जो है डिनर फिनिश करती हूँ और यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ गाइज। तो वीडियो आपको अगर मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। गुड नाइट, बाय।